तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4-7 सिस्टम में। अगर आप ज्वाइन हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सिस्टम में जो आप आईडी लगाते हैं, इसको आप दोबारा से ट्रस्ट वैलेट में किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं और आप अपनी आईडी का नाम किस प्रकार से बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी आईडी का नाम बदलना है और आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाना है आईडी पर, तो किस प्रकार से लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे और आईडी भी लॉगिन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रस्ट वैलेट अकाउंट खोल लेना है। यह देखिए, हमने अपना ट्रस्ट वैलेट खोल लिया है। दोस्तों, जिस ट्रस्ट वैलेट से आपकी 4-7 की आईडी लगी हो, आपको वही ट्रस्ट वैलेट ओपन करना है। अब आपको नीचे ब्राउजर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यह देखिए सेट के बराबर में नीचे आपको ब्राउजर वाले ऑप्शन क्लिक करना है। और यह देखिए, आपको सबसे ऊपर सर्च करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, आपको वहाँ पर सर्च करना है BUSD.4SAJ.IO, क्योंकि दोस्तों आपको BUSD में आपकी आईडी लॉगिन करनी है, अगर आपका आईडी BUSD में लगी हुई है तो। तो दोस्तों, आप BUSD.4SAJ.IO यहाँ पर डालिए और सर्च कर दीजिए। दोस्तों, यह देखिए हम सर्च कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये देखिए, हमने जैसे ही सर्च करा तो हमारे सामने लॉगिन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों, आपको सबसे ऊपर इथेरियम का आइकन मिले तो आप BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए, ऊपर 3 डॉट के बराबर में। अब दोस्तों, आपको लॉगिन टू योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने सिग्नेचर रिक्वेस्ट आएगी, तो आप इसको साइन इन कर देना नीचे। ये देखिए दोस्तों, आपको साइन इन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपकी आईडी अब लॉगिन हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस आईडी पर अपना नाम लिखना है या कोई भी फ़ोटो लगाना है, तो आपको आईडी नंबर के बराबर में सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, प्रोफाइल लिखा हुआ दिखेगा ऊपर, आपको नीचे आना। दोस्तों, यह देखिए, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा और नीचे आपको नाम डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ईमेल आईडी और भी निकनेम वगैरह वगैरह डालने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे ऊपर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए। दोस्तों, आप अपना फ़ोटो डायरेक्ट कैमरा से भी खींच सकते हैं, आप चाहें तो अपनी गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम गैलरी में से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। आप भी 2 MB से कम का फ़ोटो होना चाहिए तो आप भी कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, तो हमारा यह फ़ोटो प्रोफाइल के ऊपर सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, खाटू श्याम का फ़ोटो हमने सेट किया था और हमने ये फ़ोटो प्रोफाइल के ऊपर सेट हो चुका है। अब दोस्तों, निकनेम में हमें कोई भी नाम डालना है और हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 करेक्टर, यानी कि जो 10 अक्षर होते हैं, 10 वर्ड, हम 10 अक्षर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 अक्षर का, 10 अक्षर से कम का कोई भी नाम यहाँ पर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपका नाम 10 अक्षर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमने यह डाल दिया है। अब हम इसको सेव करके देखते हैं। तो यह नाम अभी सेव नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा यह नाम 10 अक्षर से ज़्यादा का है। तो दोस्तों, हम कोई छोटा नाम लिखेंगे जिसके कि 10 अक्षर से कम हो, तो दोस्तों वही हमारा नाम सेव हो सकता है। दोस्तों, हम फिलहाल ईमेल आईडी नहीं डालेंगे, तो हम कोई छोटा नाम यहाँ पर डाल लेते हैं जो भी 10 अक्षर से कम का होता है। तो अब हम यहाँ पर खाटू वाला डाल देंगे। तो दोस्तों, यह 10 अक्षर से कम का होएगा। देखिए, हमने खाटू वाला डाल दिया है और नीचे यहाँ पर टिक करना है और सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा यह प्रोफाइल सेव होती है या नहीं। तो दोस्तों, यह देखिए, हमारी यह प्रोफाइल सेव हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपडेट सक्सेस। अब दोस्तों, हम बैक आते हैं तो हम अपनी आईडी पर अपना प्रोफाइल नाम और अपना प्रोफाइल फ़ोटो देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप भी इस प्रकार से अपनी आईडी पर नाम और फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गया इस आईडी को लॉगिन कैसे करते हैं और इसमें अपना नाम और फ़ोटो किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।